हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता, ये पैकेट वाला पास्ता था। तो मैंने मैश टिन ली है, इसमें मैंने रख दिया पानी गर्म होने के लिए। हम अपने पानी को पहले गर्म होने देंगे। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से क्या होगा कि हमारा पास्ता चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी, तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिया, क्योंकि इतनी देर में पानी बॉयल होगा तो हमारी मटर भी इसके साथ साथ गल जाएगी। इसके बाद मैंने एक बड़ी कटोरी लिया है पास्ता, पास्ता को भी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से होने देंगे बॉयल, जब हमारा पास्ता अच्छे से गल जाएगा उसके बाद हम आगे का इसको बनाने का स्टार्ट करेंगे। आगे की रेसिपी हम आपको दिखाएंगे। तो मैंने पास्ता को रख दिया है, इसको हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो हमारा पास्ता में उबाल आ गया है, हमारा पास्ता बढ़िया तरीके से बॉईल हो रहा है। इसको लगभग 10 मिनट लगेंगे आपको बॉईल करने में। इसके साथ साथ पास्ता हमारा बॉईल हो गया तो इसके साथ साथ हमारी मटर भी बॉईल हो गई थी, तो मैंने इसको चम्मच से कट करके देखा, हमारा पास्ता अच्छे तरीके से बॉईल हो गया। गैस को हमने कर दिया बंद। इसके बाद मैंने ली एक कढ़ाई, कढ़ाई को हम होने देंगे गर्म। इसमें मैंने डाल दिया ऑयल, ऑयल को भी हम बढ़िया तरीके से होने देंगे गर्म। ऑयल हमारा अच्छे से हो चुका है गर्म, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हींग। हींग को भी हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे। हींग हमारी ब्राउन हो चुकी है तो मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर दिया। जीरे को भी हम अच्छे से चटकने देंगे। जीरा भी हमारा बढ़िया तरीके से चटक गया। अब इसमें मैंने ऐड कर दी एक बड़ी साइज की प्याज, जो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी कट करके रखी है, क्योंकि पास्ता मुझे बड़ी प्याज ही पसंद है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी भी काट सकते हैं। इसके बाद मैं इसको ब्राउन होने दूँगी बढ़िया तरीके से। मैंने इनको चला दिया था। प्याज को हम अच्छी तरीके से ब्राउन होने देंगे, सॉफ्ट होने तक हम इस प्याज को भूनेंगे। तो हमारी प्याज भी अच्छे से हो गई है सॉफ्ट। मैंने इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, वो भी ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैंने एक लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है इसमें। बाकी मैंने नमक, जब हमने पास्ता बॉईल किया था मैंने उसी में डाल दिया था, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गई थी। इसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर दिया, मुझे लग रहा था इसमें कम रहेगा। इसके बाद मैंने गरम मसाला लिया थोड़ा सा ही। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। टमाटर गलने का हम करेंगे इंतज़ार, जब हमारे टमाटर बढ़िया तरीके से गल जाएंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं। इसके बाद मैंने जो मटर पास्ता को बॉईल करके रखा था, आप देख सकते हैं हमारा पास्ता बिल्कुल भी चिपका नहीं, क्योंकि बॉईल करते टाइम मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। इस वजह से हमारा पास्ता एकदम अलग अलग है। अगर आप उसमें ऑयल नहीं डालेंगे तो आपका पास्ता चिपक सकता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें पानी में पहले ही ऐड कर देना है, जिससे हमारा पास्ता बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। मैंने पास्ता को अच्छे से बढ़िया तरीके से चलाते हुए मैंने मिक्स कर लिया मसाले के साथ। पास्ता इतना बढ़िया लग रहा था कि मुंह में पानी आ रहा था, खाने का दिल अभी से कर रहा था। बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी और कम समय में बनके तैयार हो जाता है। अब बच्चों को भी देख सकते हैं, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। पास्ता बहुत ही टेस्टी बना था। तो हमारा पास्ता हो गया एकदम तैयार, बहुत ही बढ़िया हमारा पास्ता देखने में लग रहा था। पास्ता हो गया तैयार, गैस को हमने कर दिया बंद। पास्ता को हम निकालें एक प्लेट में, अभी हम आपको दिखाएंगे कितना बढ़िया, आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा देख के। बहुत ही टेस्टी बहुत ही शानदार बना था। इसको बॉईल करते टाइम ध्यान रखें कि कच्चा ना रहे, अच्छे से इसको बॉईल कर लेना, उसके बाद ही टेस्ट आएगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी कच्चा छोड़ दिया तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इसलिए इसको ध्यान दें कि बढ़िया तरीके से ही ये बॉईल हो जाए और एकदम से बना के तैयार हो जाता। बढ़िया एंजॉय कीजिए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे।